The next topic is about equilibrium. Equilibrium. कि बॉडी जो है या अगर मूव कर रही है या रेस्ट कंडीशन में है लेकिन वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है. नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट. इसका क्या मतलब है कि नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी अगर कोई फोर्स एक्ट कर भी रही है तो वो इस तरह से एक्ट करे कि उसके ऑपोजिट जो फोर्स लग रही हो वो उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, या अगर फोर्स लग भी रही है तो इस तरह बॉडी मूव कर रही हो कि उस पर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उसकी वजह से उस बॉडी के मोशन पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो. देन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, उसमें भी यही था कि बॉडी या तो रेस्ट कंडीशन में ही रहती है या यूनिफॉर्मली मूव करती रहती है अनटिल और अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए, ठीक है. तो यही वो चीज़ होती है कि इक्विलिब्रियम में है बॉडी, अगर जब तक वो अपनी स्टेट को बरकरार रख सकती है वो रखेगी, ठीक है. इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जब उसके ऊपर लगने वाली फोर्स उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर दे तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी. सो इक्विलिब्रियम में कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती. इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज अबाउट द इक्विलिब्रियम कि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी. अब इसको हम एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल्स हम देखते हैं कि एक बुक है, ठीक है. एक बुक हमने टेबल पे रखी हुई है, इस तरह से बुक है ये टेबल पे पड़ी हुई है, एंड टेबल पे ये तब तक पड़ी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए, ठीक है. अब बेशक ये बुक एक दिन पड़ी रहे, दो दिन पड़ी रहे, तीन दिन पड़ी रहे, ये यहीं की यहीं पड़ी रहेगी. मीन्स वो अपनी रेस्ट कंडीशन में है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में. लेकिन जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी स्टेट को डिस्टर्ब करेंगे, तभी वो मूव करेगी या किसी और पोजीशन में आएगी. लेकिन जब तक बॉडी रेस्ट में है उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही तब तक वो बुक जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी. अब जिस तरह से अब बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है वेट की, ठीक है, क्योंकि जो वेट है बॉडी का वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है एंड इट इज़ इक्वल टू मास एंड ग्रेविटी. वो तमाम ग्रेविटी के फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही है दैट इज़ इक्वल टू द वेट. अब वेट के अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है दैट इज़ टेंशन, ठीक है. अब बॉडी के अगेंस्ट लग रही है और उसी ने उन दोनों का इफेक्ट कैंसिल होगा. जिस तरह अगर ये 15 न्यूटन की थी देन ये भी 15 न्यूटन का होगा एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी या रेस्ट कंडीशन में रहेगी, ठीक है. सो अगर बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर भी रही हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं एंड एज अ होल हमें क्या देती है कि कोई नेट फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही बॉडी पे. तो वो तमाम फोर्सेस जब अगर लग भी रही हो बॉडी पे तो वो बॉडी को उसके स्टेट चेंज करने में हेल्प आउट नहीं कर रही तब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी. अब इसी तरह से अभी हमने एक सिर्फ बुक की एग्जाम्पल देखी है. अब हम एक लोग लेते हैं, इस तरह लकड़ी का एक पीस है, ठीक है. इसके ऊपर अब हम कह देते हैं इसको हैंग किया हुआ है हमने दो स्ट्रिंग्स से, ठीक है. दो स्ट्रिंग्स, एक यहाँ पे अटैच किया हुआ है पॉइंट ए पे, एक इस तरह से अटैच किया हुआ है पॉइंट बी पे. अब स्ट्रिंग जो है उनके अंदर भी फोर्सेस हैं, लाइक F1 इसकी लगा लेते हैं, F2, ये दोनों अपवर्ड एक्ट कर रही हैं एंड जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, मतलब वेट जो है बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. अब यहाँ पे तो हमने देखा कि सिर्फ दो फोर्सेस थी एंड दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया. यहाँ पे हमारे पास तीन आ गई फोर्सेस, ठीक है, 1, 2 एंड 3. दो फोर्सेस अपवर्ड लग रही हैं एंड द थर्ड वन इज वर्टिकली डाउनवर्ड. लेकिन फिर भी उसका जो कंबाइंड इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का इफेक्ट इस वाले से कैंसिल आउट हो जाए. अगर इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा W से जो वेट है बॉडी का, यानी जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे
वो कैंसिल आउट कर दे इनके इफेक्ट को, ऊपर लगने वाली फोर्सेस को, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। लाइक अगर इन दोनों फोर्सेस को ऐड करके यहाँ पे 5 न्यूटन 5 न्यूटन कलेक्टिवली फोर्स बनी 10 न्यूटन की एंड 10 न्यूटन ही डाउनवर्ड था, दोनों के इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, तब तक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में रहेगी। बट अगर जो है इन पर लगने वाली फोर्स डिस्टर्ब कर दें तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजिशन में नहीं रहेगी। नाउ अब हम स्टडी करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को। देर आर टू कंडीशंस, एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है एंड अदर वन इज सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि जितने भी फोर्सेस बॉडी पे एक्ट करें वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें एंड जो हमारे पास सम ऑफ फोर्सेस आए दैट विल बिकम इक्वल्स टू जीरो, जिस तरह अभी हमने लॉग के केस में पढ़ा था। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि नेट फोर्स का जो आंसर है दैट विल बी जीरो, यानी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका सम ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। ये समेशन साइन है एंड इट इज़ अ ग्रीक लेटर जिसका मतलब है सम, ठीक है, समेशन फॉर्म। अब इस समेशन को किस तरह से लिखा जाता है, जिस तरह हमने भी लॉग के केस में देखा था, इस तरह से दो फोर्सेस एक्ट करी थी F1, F2 एंड W जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। अब ये यहाँ पे जब हम इनका सम लेंगे तो ये हो जाएगा F1 + F2 + F3 और वो इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। इसको F3 कर लें, F3 क्यों, क्योंकि इन सब का जो इफ़ेक्ट है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था उसने अपर साइड पे लगने वाली फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। सो फर्स्ट कंडीशन इज अबाउट द नेट फोर्स के बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लगें उनका जब सम लिया जाए दैट विल बी एब्सोल्युटली इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो के इक्वल होगा इट मीन्स बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अभी हमने अपने वुड लॉग के केस में देखा था, ठीक है, हमने एक लकड़ी का जो टुकड़ा लिया था उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई की थी। तो अगर इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही थी तब बॉडी बिल्कुल इक्विलिब्रियम में थी, रेस्ट कंडीशन में थी, लॉग वहीं स्टैंड था, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस फोर्स को बढ़ा दूं, लाइक मैं 5 न्यूटन से इसको 10 न्यूटन कर दूं एंड 5 न्यूटन कर दूं, तो इसमें जो और यहाँ पे लगने वाली 10 न्यूटन थी तो इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। और उस सूरत में जब एक दूसरे के इफेक्ट को फोर्सेस कैंसिल आउट ना कर पाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। सो इसलिए हमें इक्विलिब्रियम में रखने के लिए पहली कंडीशन ये है कि जितनी भी बॉडी पे फोर्सेस एक्ट कर रही हों वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें। अब इसी तरह से अगर हम लोग, ये तो सिंपल एक था ना कि हमने किसी भी डायरेक्शन में लिया, अब फोर्सेस अगर एक्स वाई प्लेन की डायरेक्शन में मूव कर रही हो, मतलब फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट भी हों वाई कंपोनेंट भी हों, जिस तरह हमने एक फोर्स के कंपोनेंट को रिजॉल्व किया था इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट, उन केसेस में भी हम लोग फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर एक्स कंपोनेंट है फोर्स का तो हम उन सब को ऐड करेंगे, एक्स कंपोनेंट में किस तरह से लिखेंगे, F x1 + F x2 + F x3 up to F xn, कोई भी नंबर हो सकता है अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, वो सब का सम इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए। इट मीन्स Fx जो है दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कंपोनेंट ऑफ x कंपोनेंट जितने भी फोर्सेस के आ रहे हैं उनका भी सम ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह अगर हम y कंपोनेंट देखते हैं, y कंपोनेंट में भी इसी तरह से सबका सम आएगा एंड समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द y कंपोनेंट दैट विल बिकम इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि जितनी भी बॉडी पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सब उनका सम ज़ीरो होना चाहिए। अब उसी केस में अगर हमने एक बुक की एग्जांपल देखी थी, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, टेंशन की फोर्स अपवर्ड थी, दोनों ने इफेक्ट को कैंसिल आउट किया, इट मीन्स जो समेशन ऑफ फोर्सेस आया दैट विल बी ज़ीरो। और अगर हम एक मूविंग वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, जिस तरह हमने कहा था कि बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी या तो वो रेस्ट कंडीशन में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। अब एक अगर हम पैराट्रूपर देखें जो पैराशूट की तरह ही है इस तरह से, तो इसमें क्या होता है कि अपवर्ड लगने वाली फोर्सेस
डाउनवर्ड लगने वाली फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल कर रही होती हैं, इसलिए जो पैराशूट है या पैराट्रूपर है वो एक बहुत यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है और उस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि अपवर्ड लगने वाली फोर्सेस और डाउनवर्ड लगने वाली फोर्सेस या जो इस साइड से लगने वाली फोर्सेस हैं एंड इस साइड से, सब ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट किया एंड जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस आया दैट विल बी द ज़ीरो। सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी, जिसमें हमने पढ़ा कि फोर्सेस जितनी भी एक्ट कर रही हों बॉडी पे वो ज़ीरो होंगी, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, चाहे वो रेस्ट के फॉर्म में इक्विलिब्रियम में हो या चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो एंड उस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम में हो। सो फर्स्ट कंडीशन थी फोर्स, सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आगे है सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अब ये तो पता चल गया कि फर्स्ट कंडीशन में था सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं था कि वो बॉडी पे एक्ट करने वाली फोर्सेस जो हैं एक ही लाइन पे मूव कर रही थी, लाइक बॉडी, ये हमने सिंपली बुक की एग्जांपल ली थी, W वर्टिकली डाउनवर्ड था एंड इसी के ऑपोजिट टेंशन थी एंड दोनों इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहे थे, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही लाइन पे, लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम था। अब यही फोर्सेस अगर इस तरह से एक्ट कर रही हों कि इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाए, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है यहाँ पे, तो है तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहा, ये यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन आ गया, ये यहाँ पे। सो अब ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि इसके ऊपर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो है। सो उस केस के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि कोई और कंडीशन होनी चाहिए। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क क्या होगा, एक टर्निंग इफेक्ट, मतलब बॉडी इस तरह से मूव करने लग जाएगी। सो टर्निंग इफेक्ट कॉज हो रहा है, इट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई जो है मोशन प्रोड्यूस हो गई है, वो इक्विलिब्रियम से अन इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया। सो अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन इस तरह से है कि जितना भी टॉर्क बॉडी पे एक्ट करे उसका सम भी ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी तब इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तमाम एक्ट करने वाला टॉर्क बॉडी के ऊपर ज़ीरो हो जाए। लाइक अगर इस केस में हमारे पास इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, बॉडी ने टॉर्क प्रोड्यूस किया, अब इसके अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूस हुआ 15 न्यूटन, इसके अकॉर्डिंगली 15 न्यूटन, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। सो जब तक बॉडी के अंदर जितना भी फोर्सेस और टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उनका सम ज़ीरो नहीं होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। और बॉडी को इक्विलिब्रियम में अगर वो फर्स्ट कंडीशन इवन सेटिस्फाई भी कर रही है कि तमाम फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं और उनका सम ज़ीरो है, लेकिन बॉडी के ऊपर लगने वाला तमाम टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका सम ज़ीरो नहीं है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। सो इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों, कि बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस और तमाम जो प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क है उनका सम ज़ीरो आना चाहिए। सो टॉर्क किस सूरत में प्रोड्यूस होगा, जब लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा। अभी तक हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा कि जो जितनी भी नेट फोर्सेस एक्ट करें बॉडी पे, अगर वो कोई इफेक्ट कॉज नहीं कर रही बॉडी पे, देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। रेस्ट की कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तब भी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। एक कंडीशन है कि समेशन ऑफ एफ, जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी पे उनका सम ज़ीरो होना चाहिए, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन अगर बॉडी के ऊपर जो तमाम फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो जब तक ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी।